बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी में मैं बनाऊंगी कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 कप ठंडा पानी। इसमें मैंने बर्फ़ डाल ली है। ठंडा पानी लूँगी 3 कप, कश्मीरी चाय लूँगी 3 चम्मच, 6 से 7 इलायची, 1 बादखताई, 2 1 इंच की दालचीनी, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच नमक। और ये बेकिंग सोडा और नमक हम तब डालेंगे जब इसको उबाल आ जाए। सबसे पहले मैं एक बर्तन लूँगी और इसमें 3 कप ठंडा पानी डालूँगी। कश्मीरी चाय बनाने की 2 टिप्स हैं। पहली तो ये कि आपने इसमें बिल्कुल ठंडा पानी इस्तेमाल करना है, बर्फ़ वाला पानी। और दूसरी ये कि इसको पकाते वक्त, इसको उबालते वक्त आपने इसको फेंटना बहुत ज़्यादा है। इन दोनों टिप्स से ही आपकी कश्मीरी चाय का कलर निकलेगा, अदरवाइज़ इसका कलर बिल्कुल भी नहीं आएगा। कश्मीरी चाय, बादखताई, इलायची, दालचीनी। अब मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी। मैंने चूल्हे को चला दिया है, अब मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊँगी। चाय में उबाल आना शुरू हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी बेकिंग सोडा। नमक और अब मैं इसको फेंटती जाऊंगी और तब तक फेंटूंगी जब तक ये 3 कप जो मैंने डाले थे वो खुश्क होके 1 कप नहीं रह जाता। ये मेरी पककर बिल्कुल 1 कप तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें मज़ीद 2 कप ठंडा पानी डालूंगी। पानी आपने इसमें ठंडा ही इस्तेमाल करना है, रूम टेम्परेचर वाला या गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपका इसका कलर नहीं निकलेगा। अब इसको मज़ीद तब तक फेंटूंगी जब तक ये फिर से सूख के 1 कप ना रह जाए। ये हमारा दूसरी बार भी बिल्कुल सूख के 1 कप रह चुका है, इसका कलर भी बिल्कुल निकल ही आया है तकरीबन। अब इसमें मैं मज़ीद ठंडा पानी डालूंगी और इस बार मैं 3 कप पानी डालूंगी और पानी डाल के मैं इसको फेंटती जाऊंगी तब तक कि जब तक इस दफ़ा ये 2 कप ना रह जाए। मैंने इसको फेंट कर पका लिया है, ये बिल्कुल 2 कप तैयार, 2 कप रह गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको छलनी से छान लूंगी। पैन में मैंने 1 कप दूध लिया है, अब मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डालूंगी 2 चम्मच, चीनी डालूंगी हसबे ज़ायका, दूध के बॉयल होने का इंतज़ार करूंगी और जब दूध बॉयल होने लगे तो जो चाय मैंने तैयार की थी वो मैं उसके 2 चम्मच इसमें डाल दूंगी। दूध मेरा बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें वो जो चाय मैंने बनाई थी वो डालूँगी तकरीबन 1 चम्मच। इसको 2-3 दफ़ा मैं ऐसे ही फेंटूंगी। चाय का कलर निकल आया है। अगर आप इससे भी ज़्यादा मज़ीद डार्क कलर करना चाहते हैं तो आप इसमें फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास है बादाम और पिस्ता, आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं।
चाय हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। ये जो बच गया था हमारे पास, इसको आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं और जब भी आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और पत्ती की जगह पे आप इसको यूज़ करें और आपकी चाय बना लें।